नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बेहतरीन शेयर के बारे में जिसके बारे में आप काफ़ी सुनते हैं और काफ़ी चर्चा में रहता है ये स्टॉक्स, वो है ITC का शेयर। दोस्तों काफ़ी मतलब इन्वेस्टर के रुपया को ये मतलब लॉस में बदला है, क्योंकि देख सकते हैं ये स्टॉक्स जो है 300 रुपीज़ के आसपास होता था, उसके भी ऊपर वहाँ पर जो भी बाय किए होंगे वो अभी लगभग 40% लॉस में होगा उनका पोर्टफोलियो। तो दोस्तों ऐसे में बहुत ही ज़्यादा पैनिक, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर को ये लॉस पहुंचाया है, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर जो है पैनिक में इस शेयर में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी ITC के शेयर के बारे में, आपको क्या करना चाहिए, क्या लेवल्स और टारगेट है जिसका आप वेट कर सकते हैं और किस लेवल्स और टारगेट पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों जो मैं फॉलो करता हूँ, सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, जो ये स्टॉक्स हमारा प्राइस एक्शन के अनुसार जो ट्रेंड लाइन बना रहा है उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है और साथ साथ RSI। तो यहां पर RSI देख सकते हैं कि अभी क्या है, ओवर सोल्ड हो चुका, ओवर सोल्ड मतलब कि काफी ज्यादा सेलिंग है। तो दोस्तों काफी ज्यादा जब सेलिंग हो रहा है तो अभी ये स्टॉक्स ऊपर कैसे जाएगा, आप ये भी देख सकते हैं। जब तक ये ऊपर मतलब आपको अप ट्रेंड का लाइन नहीं बनाता है तब तक आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं उन्हें अभी जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट भी हाई पे है और ये स्टॉक्स अपना मोमेंटम ऊपर की ओर दिखा ही नहीं रहा। जब ये तक ये ऊपर मोमेंटम नहीं दिखाता, कन्फर्मेशन हमारा RSI नहीं देता, जैसे RSI अभी ऊपर की ओर चलना शुरू होता है तो ये आपको धीरे धीरे कन्फर्मेशन देगा, क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस होगा यहाँ पर वो ऊपर की ओर होगा। तो जब डाइवर्जेंस आप ऊपर दिखेगा तो आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो अगर RSI यहीं से ऊपर की ओर चलना शुरू कर दे, यहाँ पर RSI जो ऊपर चलना शुरू कर दे तो हमारा डाइवर्जेंस क्या हो गया, ऊपर की ओर हो गया। तो डाइवर्जेंस जब दिखा रहा है अप ट्रेंड है, मतलब डाइवर्जेंस हमारा बता रहा है कि जो स्टॉक है वो ऊपर की ओर मोमेंटम अब दिखाएगा, मतलब जो मोमेंटम है ऊपर की ओर उसमें मजबूती आ चुकी है। RSI नीचे फॉल नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बल्कि RSI का ग्राफ उसका मतलब होता है ये प्राइस मोमेंटम जो है ऊपर की ओर है। जब प्राइस मोमेंटम ऊपर है तो उसी को तो हमें बाय करना है, उसको बाय करेंगे ऊपर जाएगा हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो हम फ्यूचर में जा कर के सेल करेंगे इसको, या ऑप्शन में इसको हम पी को बाय करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, स्टॉक को हम बाय कब करेंगे, जब ये हमारा यहाँ पर डाइवर्जेंस जो है अगर पॉजिटिव मतलब डाइवर्जेंस दिखाता है कि अप ट्रेंड होने वाला है और जब तक ये किसी लेवल को नहीं क्रॉस कर लेता, जैसे यहाँ 200 के लेवल को क्रॉस करता है तो इसमें एक मोमेंटम ऊपर बन सकता है। तो जो लेवल्स होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मंथली चार्ट पर देखें तो ये काफ़ी वीकनेस है, ये स्टॉक अभी बाइंग का बिल्कुल भी नहीं बताता है। मगर अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से बाय करते हैं तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर को तो सस्ते माल चाहिए, वो अभी SIP मोड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं कि अभी बाय किए, फिर नीचे अगर आता है तो नीचे के लेवल पर उसमें SIP करते रहेंगे तो ओवरऑल अच्छे प्राइस पर उनका बाइंग होगा। तो जिससे वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा स्टॉक्स है, डेट फ्री स्टॉक्स है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी देता है। अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो आपका डिविडेंड परसेंटेज भी काफ़ी हाई होगा, लगभग आपका जो डिविडेंड होगा वो 6-7% पर एन्यूम होगा। इतना परसेंट का डिविडेंड मतलब FD पर जो रिटर्न मिलता है, साथ ही साथ ही कोई PSU स्टॉक नहीं है, जब मोमेंटम दिखाएगा तो एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि अभी जो इसमें करेक्शन है देखते हैं, एक लॉन्ग टाइम से इसमें करेक्शन हुआ, 2017 से ही इसमें करेक्शन चल रहा है। तो जो करेक्शन है, करेक्शन का टाइम जैसे ओवर होता है तो ये ऊपर की ओर मोमेंटम दिखा सकता है। कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली चार्ट पर देखते हैं काफ़ी वीक है ये स्टॉक्स। तो अभी इस स्टॉक में आपको अगर पोजिशनल ट्रेडिंग हो, मतलब जो भी स्विंग ट्रेडिंग हो उसके लिए बाइंग नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं इस स्टॉक में कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बाय नहीं करूंगा, चाहे किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमारे मार्केट में उपलब्ध है, जैसे इन्फोसिस हो गया आप बाय कर सकते हैं, फार्मा सेक्टर कई सारे बेहतरीन स्टॉक हम आपको बता देते हैं, केमिकल सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स हैं। तो जो IT सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, इस सेक्टर के स्टॉक्स को आप बाय करें। अभी जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें आपको काफ़ी मोमेंटम, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने मिल सकता है। तो मैं इस स्टॉक में पर्सनली अभी बाय नहीं कर सकता। तो ये अगर आपको बात करें, अगर आप अभी बाय करते इस स्टॉक में तो आपका जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए वो 150
150 के आसपास होनी चाहिए आपका स्टॉप लॉस। तो या आप वेट एंड वॉच करें तो आपको 160 के लेवल पे भी मिल सकता है। अगर मार्केट में 200-300 पॉइंट का करेक्शन आता है तो ये स्टॉक भी 10-15 रुपीज करेक्शन दिखाएगा, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। तो वहाँ पर आप बाय करते हैं तो निश्चित है कि आपके पास काफ़ी अच्छे प्राइस लेवल पर बाइंग होगा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि ये धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है, लेकिन अभी 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा मतलब करेक्शन मोड में है। काफ़ी मतलब समय से ये रैली में था स्टॉक, देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं 2003 से ही ये स्टॉक्स काफ़ी रैली किया था, और बीच में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले भी ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा 2006 से लेकर के 2009 तक यहाँ पे भी 3 साल के लिए ये स्टॉक्स यहाँ पर करेक्शन मोड में था, अंडर परफॉर्म था, और फिर यहाँ अभी पिछले मतलब 2017 से ही ये स्टॉक्स करेक्शन मोड में है, तो फिर से एक बड़ा रैली देखने मिलेगा। तो इस तरह से एक फेज होता है, अभी ये जो है बुल फेज में नहीं है, तो जैसे बुल फेज में आता है तो उस समय हम लोग जो है इसको बाय करेंगे और जितना बड़ा रिटर्न हो सकेगा इसे प्राप्त करेंगे। तो अभी हम इसमें बाइंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो है करेक्शन फेज में है, तो हम अपना रुपया जो इसमें ट्रैप क्यों करें। तो इसलिए आपको ये देखना है कि अभी चल किसका रहे। तो अभी आईटी सेक्टर के स्टॉक रनिंग में है, फार्मा सेक्टर के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो आप उसमें स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो 15% का रिटर्न है वो आपको 1 मंथ में मिल जाएगा फार्मा सेक्टर के स्टॉक में, आईटी सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक में, तो आप उन स्टॉक्स में बाय करें। ये स्टॉक सस्ता है तो रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो आप प्राइस पर ना जाएँ, परसेंटेज में रिटर्न देखें। अगर आपको 15% का रिटर्न फार्मा सेक्टर के एक स्टॉक दे रहा है 1 मंथ में, तो काफ़ी बेहतरीन है, आप स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। हमने आपको बताया था इपका लेब, और उसके बाद आरती ड्रग्स, वो भी 700 से 1000 गया, आपको लगभग देख सकते हैं 30-40% का रिटर्न दिया, उसके बाद उसमें गिरावट आया। तो आप उसमें स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, तो ये कब होगा, जब जीरोधा में आपका अकाउंट होगा। जीरोधा में आप जो पर्सनल है उस ट्रेडिंग है उसमें भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो जीरोधा में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और वहाँ GTT ऑर्डर लगाइए। GTT ऑर्डर का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या नीचे चैनल पर जाइए और वहाँ पर देखिए, हमारा प्लेलिस्ट ब्रोकर का बना हुआ है, उस लिस्ट में आपको वो सारा वीडियो मिल जाएगा जो कि ब्रोकर से रिलेटेड होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा कि ITC में आपको क्या करना चाहिए। अभी जस्ट वेट एंड वॉच, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 170 बाय करेंगे, 150 आपका स्टॉप लॉस होगा, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलेंगे। जैसे ये 200 के लेवल को क्रॉस करता है तो आप बाय करें तो ज़्यादा बेटर है, और वहाँ से ये ऊपर की ओर जो है मोमेंटम एक दिखा सकता है, और वहाँ से आपको 240 रुपीज़ तक का मोमेंटम आपको देखने ईजिली मिल सकता है। तो ये होगा हमारा मतलब इसमें व्यू, आपका व्यू क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ITC से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं, ITC से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों को वीडियो में उम्मीद होता है कि ITC के स्टॉक में क्या करें। तो अभी जस्ट एंड वेट एंड वॉच करना चाहिए, बाय करना है तो स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, साथ साथ चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।